वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त सेंसस के ऊपर और 2017 की मर्दमशुमारी पर बात करें तो सियासी जमातों के तहफ़ुज़ात एक ही हैं, नैरेटिव भी एक है और जो इस वक्त इक्तदार में जमात है यानी कि पीटीआई की बात कर ली जाए तो वो सेंसस के ऊपर क्या राय रखती है, मौक़िफ़ क्या है, जबकि गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल साहब एमक्यूएम की हिमायत में कह चुके हैं कि 2023 के अंदर इंतखाबात से पहले नई मर्दमशुमारी कराई जा सकती है। इस बारे में जो है वो खुलकर बात हुई है, एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ यही है, पीटीआई का मौक़िफ़ भी यही है, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है, तो लेकिन रुकावट कहाँ पर आ रही है, दोनों जो है वो सेगमेंट्स के अंदर आपने देखा कि मौक़िफ़ क्या अपनाया गया, पीटीआई का मौक़िफ़ भी इस पर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त एमपीए पीटीआई की जानिब से मोहम्मद शबीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। मोहम्मद शबीर साहब बहुत शुक्रिया, जानना ये चाहूँगा कि एमक्यूएम आपकी इत्यादी जमात है और जो अपोजिशन जमातें हैं उनका भी मौक़िफ़ एक ही है, तहफ़ुज़ात हैं इस वक्त मर्दमशुमारी पर, रुकावट क्यों आ रही है मर्दमशुमारी के ऊपर तहफ़ुज़ात दूर करने में? मर्दमशुमारी के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो होल्डर हैं उन सबको तहफ़ुज़ात है और हमारे अपोजिशन लीडर भी इस बात पर हम बात कर चुके हैं कि तमाम अगर कैसी जमातें जो कैसी के होल्डर हैं और उनके तहफ़ुज़ात हैं तो उसमें अगर दोबारा हो जाए तो कोई वही नहीं। हम इस पे चाहते हैं कि जनाब अगर कैसी की मर्दमशुमारी के हवाले से जो तहफ़ुज़ात है तमाम हलकों के तो और तमाम सियासी जमातें जो कैसी में स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है उन सब के ये तहफ़ुज़ात है, तो उस हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम जमीयत के कायल हैं और अक्सरियत की बात को मानते हैं। तो आपके इत्यादी तो ये कह रहे हैं कि 3 साल का अरसा हो चुका है, अब तो हुकूमत से अलहदा होने के फैसले किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, ये तहफ़ुज़ात दूर नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, उससे हमारे अली जेजी साहब ने भी कल बयान दिया था, हमारी वफाकी कमेटी भी इस बात पे काम कर रही है और हमारे तमाम जो कैची में हमारे कच्चा रस्ता हमारे तमाम बड़े जो हैं वो इस बात से मुतफिक हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। ये सब हम अपने तहफ़ुज़ात नहीं, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की बात की जाए वो भी आपकी जमात से, आप खुद माशाल्लाह से एमपी हैं, ये तहफ़ुज़ात दूर कौन करेगा, वफाकी हुकूमत ही करेगी ना, उसमें भी हुकूमत आपकी है। बहुत जल्द कमेटी का ऐलान होने वाला है, बहुत जल्द कमेटी ऐलान होगी, तमाम तहफ़ुज़ात एक्सपेक्टेशन क्या है, ऐलान क्या होगा? ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो अक्सरियत की जो राय है कि मर्दमशुमारी दोबारा हो या मर्दमशुमारी में जो तहफ़ुज़ात है वो तमाम दूर किए। अच्छा, क्या आप इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जो मर्दमशुमारी हुई 17 में तो उसमें कराची की आबादी और ऑब्वियसली अगर कलेक्टिवली बात की जाए तो कहीं ना कहीं रिगिंग थी, कम गिनी गई आबादी? हाँ, इसमें तो कुछ हुआ है, आज इस ब्यूरोक्रेट ने कुछ मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेट की थी तो उसमें जो है हमारा भी ये है। तो जिम्मेदार कौन है इस गलत मर्दमशुमारी का? जो उस वक्त के कट्टा धरता थे वो तमाम जिम्मेदार हैं और उसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराई है। नहीं तो 2.5 साल से ज़ायद का अरसा आप विराजमान हैं कुर्सियों पर, गद्दी नशीन हैं, क्यों देर हुई मर्दमशुमारी के अंदर जो तहफ़ुज़ात दूर करने में? आप करवा सकते थे 2.5 सालों के अंदर अगर चाहते। देखिए, जब तमाम जो कहती के लीड कहती तमाम कहती जमाते मुतफिक अभी हुई, उनका अपना लाइन नंबर अभी हुआ है, तो जो भी जो आवाज उठती है के की, तो हमने तो उसी की बात करी है। मतलब कराची पे तहफ़ुज़ात दूर करेंगे या मुल्क भर के जो तहफ़ुज़ात हैं दूसरी सियासी जमातों के उनको भी दूर? फिलहाल हम कैची के एमपी थे और हम कैची की बात करेंगे, सिंध की बात करेंगे, मैं सुबाई मेंबर हूं तो मैं सुबह की बात करूंगा और मैं सुबह के लिए आवाज उठाऊंगा। और फिर नई मर्दमशुमारी कब तक होने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है? यही तो नहीं की 2023 में जो गवर्नर साहब ने कहा है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैंने कहा ना आपसे बहुत जल्द आप इसकी भी अच्छी खबर सुनेंगे, खुशखबरी सुनेंगे, तो जो कैची के जो तहफ़ुज़ात इंशाल्लाह तो हम जरूर। अच्छा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले हो जाएगी मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियां हो जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या था बहुत जल्द इसका मैंने कहा ना कि ऐलान होगा बहुत जल्दी जो है ये नई सब बंदी होगी। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबीर साहब, पीटीआई की जानिब से एमपी हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा नाज़रीन के दो सियासी जमातों का मौक़िफ़ लिया और फारूक सत्तार साहब जो कि एमक्यूएम के साथ हुआ करते थे लेकिन अब बहाली कमेटी को लीड कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई, उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा इनको और प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे कि अगर एमक्यूएम चाहे तो प्रेशराइज कर सकती है मर्दमशुमारी के ऊपर, तहफ़ुज़ात दूर हो सकते हैं, अगर पीटीआई चाहे
करवाना नहीं मरदमशुमारी तो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं हो सकती है, लेकिन जवाब यहाँ पर ये नहीं मिल सका है कि बैरियर्स कौन से हैं, कौन से वो ऐसे अनासिर हैं, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से ऐसे वो लोग हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं और ज़िम्मेदार भी हैं मरदमशुमारी के। कराची की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 1.5 करोड़ दिखाई गई है, 1.49 करोड़, तो इसके ऊपर जिम्मेदार कौन है इसका तयन होना ज़रूरी है और देखना ये कि नई मरदमशुमारी कब होती है। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।